सतवास नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 का उपचुनाव परिणाम आ चुका है। वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस प्रत्याशी लाला अरविंद पटेल जीते हैं। वहीं अरविंद ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र यादव को हराया। अरविंद को 492 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र को 389 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जीत के प्रमाण पत्र के पश्चात नगर के मुख्य मार्गों पर बैंड बाजों व डीजे के साथ आतिशबाजी करते हुए विजय जुलूस निकाला गया। इस उपचुनाव में जहां जिले की पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी, तो वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी पूरे समय कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे थे। दीपक जोशी के कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने के उपरांत बागली विधानसभा में यह पहला उपचुनाव था जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। अब देखना यह होगा कि दीपक जोशी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें दिला पाते हैं। वार्ड क्रमांक 5 के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर विजय श्री दिलाई है। और मैं तमाम उन कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों का भी धन्यवाद देता हूं जो 15 दिन लगत रात दिन मेहनत कर इस विजय श्री का श्रेय मैं वार्ड क्रमांक 5 के समस्त मतदाताओं और कांग्रेस के एक एक जाबाज कार्यकर्ता और वरिष्ठ जनों को देता हूं। धन्यवाद। जय जय भारत। जय कांग्रेस। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।